من صحبته كلب من अरे ओ बेसुरी आवाज वाले आदमी, ये मत भूलो कि हम इस वक्त मदाइन के करीब हैं। मदाइन और उसके देहात मुख्तार के हाथ पांव चूमने वाले तरफदारों से भरे हुए हैं। इतनी टेंटे मत करो कि मुख्तार के आदमी हमारा सुराग लगा ले। मुझे तो हैरत है कि तुम जो अकल होश के शहंशाह हो, आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती कर ली तुमने। मदाइन में मुख्तार सिर्फ मुंह खोले तो करोड़ों जानिसार उसके आगे सर झुका लेते हैं, जिनमें से एक कियानी ईरानी है, और तुम हो बिच्छू के घर में बैठकर रुस्तम से वादा कर बैठे। तुम्हें कोई इससे बेहतर जगह मालूम थी? क्यों नहीं, अगर हम बसरा की तरफ जाते तो हमें किसी चीज का भी खतरा ना होता। सही, तो जनाब शेख ने बसरा का इरादा बना रखा है, जा सकते हो, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए, नाक के सीन में चलते जाओ, बसरा पहुंच जाओगे। क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ जो तुम्हें बुरा लग रहा है? मदाइन का मतलब ईरान, और ईरानी कौम भी मेरी और तुम्हारे खून की सियासी है। तुमने क्या सोचकर इस वीराने में रुकने का ज़हन बना लिया? इब्ने अशस, मान लिया कि मैं अहमक था कि यहाँ आया, अब जान छोड़ दो। मेरा कसूर है कि कूफे से भागने का रास्ता तुम लोगों को दिखाया। लानत है मुझ पर। फरारे कूफा से तुम्हारी क्या मुराद है? आज से हम तो इंसानों की फहरिस्त में शामिल नहीं रहे, दुम्बों के रेवड़ में शुमार होते हैं। क्या तुम बाद में दोबारा कूफे में रहने का सोच भी सकते हो, वो भी कूफे के बाद का बतंगड़ बढ़ाने वाले लोगों में? हम तो इतने जलील और रुसवा हो चुके हैं कि अब हमें ताबत कहीं और रहना पड़ेगा। किसे मालूम कि हम कूफे से किस हाल में निकले हैं सिवाय हमारे खुद के। अगर तुम्हारे गुलाम रुस्तम को पता चल जाए, जो पता चल चुका है, सारे जहां को बताने के लिए काफी है। तो तुम दुम्बे की खान ना पहनते इज्जत में, आप किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी? मैंने अपनी तरकीब बताई तो तुम कितने खिलखिला गए थे खुशी से। तुम्हें तरकीब पसंद नहीं आई थी क्या? ये बहस मुबाहिसे किस बात को हल कर सकते हैं? अंदर के इरादे खुलकर सामने आ रहे हैं इब्ने जवाबी। शेख कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि अलग होकर बसरे को निकल जाएं। उसके लिए हजार दलीलें सुना रहे हैं। तुम क्या घूम रहे हो गधे? मैं तुम्हारे दिमाग के बारे में सोच रहा हूँ शिमर। तुम्हारा सर बहुत तगड़ा है यार, इसे पकाकर एक फौज को वलीमा खिलाया जा सकता है। सनान, चुप हो जाओ, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। इतने उदास क्यों हो पगले? इस कड़े वक्त में हमारा एक साथ रहना हमारी तकदीर के डोर काट देगा। आखिर एक साथ रहने की क्या जरूरत है? जब तक हम इंसानों के फहरिस्त में थे और कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जब ये सब ठीक था, आज हम दुम्बे हैं और भेड़िए के खौफ से आवारा वतन है। कम अज कम मैं तो अब इन चीजों का हौसला नहीं रखता। आले उमैया से भी ठुकराया जा चुका हूँ और इस दुम्बो वाली जिंदगी से भी तंग आ गया हूँ। इब्ने अशस, आज फिर हम क्या गाफिल रहे हैं कि तुमने इस बेवकूफ के दिमाग को घुमा दिया? इत्तेफाक से कहानी बिल्कुल उलट है। मैंने शेख साहब को सीधी राह की हिदायत दी है, तुम मानो या ना मानो, बनू उमैया की बाजी खत्म हो चुकी है, मर गई वो हुकूमत। हमने तो उनकी फातिहा अभी से पढ़ दी है, अब आले जुबैर के धोखेबाजों की बारी है। जाओ, मगर ये जान लो कि आले जुबैर बनी उमैया की तरह बंदर से खेलने वाले नहीं हैं, जो तुम जैसे के साथ साजबाज रखें। उनकी शरीयत में बंदर कुत्ते की तरह है, जिसकी सांस भी नजिस है। इंसानों की फहरिस्त में तो अब हम रह ही नहीं है, चंद दिनों के लिए ऊंट बन जाएंगे और आले जुबैर को लूटेंगे। खुदा हाफिज तगड़े सर वाले, मैं तुम्हारी इन खौफनाक आंखों को बहुत याद करूंगा। शिम्र, मेरी मानो तो इस फितना खेज इलाके से जल्द से जल्द निकल जाओ, चाहे अपने खजाने और रुसम के बगैर ही क्यों ना हो। क्या जरूरी है कि हम रुसम के आने तक इंतजार करें? मेरा सब कुछ ही उसके पास है, बगैर सोने के सिक्कों के शाम कैसे चले जाएं?
आपका इसमें शरीफ क्या था भाई? तुम कितने अहमक हो भाई, कम से कम 100 बार तो पूछ चुके हो ये सवाल, एक चीज दिमाग में बिठा लो भाई। अरे भाई, एक फकीर और नादार गुलाम के होशो हवास कहाँ होंगे। तुम इतने भुलक्कड़ हो तो फिर तुम्हें ये कैसे याद है कि तुमने शिमला से कब और कहाँ मिलने का वादा किया है। अरे भैया, अगर मुझ जैसा कोई बदबख्त आदमी अपने आका के हुक्म को भुला दे तो उसे अपना आखिरी कलमा पढ़ लेना चाहिए। एक दिन शिव ने इस भूलने की आदत की वजह से मेरे पाँव में घोड़े की नाल ठोक दी थी भाई, उन कीलों के निशान अब तक बाकी हैं। उस दिन के बाद से मैं अपना नाम तो भूल सकता हूँ मगर शिव की बातें हरगिज नहीं। मेरा नाम जरबी है भाई, जरबी जरबी। ए मेरे कान, जरबी का नाम अब मत भूलना। जरबी भाई, चलो हम सवार होकर चलते हैं ताकि रास्ता जल्दी कट जाए। तुम अपने गधे पर सवार रहो, मैं इसी तरह तुम्हारे साथ चलता रहूंगा मेरे भाई। ये सवारी नहीं है बेवकूफ, जब हम खामोश रहेंगे तो हमें अपने कदम गिनने पड़ेंगे, लेकिन बातें करने से सफर आसान और छोटा हो जाता है। हाँ ये तो है, बातें करने से लंबा सफर आसान हो जाता है, लेकिन अगर तुमने कुछ चलाकी और मक्कारी करनी चाहिए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ, जब दिल उदास ना हो तो जबान भी गलत सलत बातें नहीं करती। भाईजान, मुख्तार आपको थप्पड़ मारता था क्या? हरगिज नहीं, थप्पड़ मारना तो गधे के लिए होता है, समझदार आदमी के लिए तो हरगिज नहीं। भाई खरबी, क्या मैं गधे की शक्ल का हूँ? खरबी किस गधे का नाम है? माफी चाहता हूँ, आपका इसमें शरीफ खरबी नहीं था। क्या तुम वाकई उल्लू हो या जानबूझ के बनते हो? जरबी कहाँ, खरबी कहाँ, मैं जरबी हूँ भाई साहब, जरबी 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 जरबी। ये बहरे कानों, अब नाम मत भूलना। ये तुम दही रोटी खा रहे हो या कोई मजेदार हलवा? खुदा का शुक्र है, बयाबान में फटी हुई चप्पल भी चलने के लिए नेमत है। खुश नसीब हो कि अभी भी कुछ खाने को जी चाहता है। मजे ले लेकर खाते हो तो आदमी का दिल ललचाता है। बिस्मिल्लाह। मैं तो तरस गया हूँ किसी बकरे की रान खाने के लिए। देहातियों का डर खौफ ना होता तो खूब जला के भून के खाते। देहातियों का खौफ तो एक अलग बात है, लेकिन क्या मुझे जिबा करके भूनते? यहाँ बकरे कहाँ हैं? ये भेड़ बकरियों का जंगल है और बकरियों के रेवड़ यहाँ बहुत से हैं। इस बियाबान में जितना चाहो ढूंढ लो, टिड्डे ही मिलेंगे या फिर खरगोश, लेकिन वो खरगोश हैं जिनका खाना हराम है। तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ के खरगोश हराम वाले हैं? उनके कदमों के निशान से। हलाल खरगोश के सुम दुम्बे के सुम की तरह होते हैं और हराम खरगोश के घोड़े की सुम की तरह होते हैं। जबरदस्त, मुझे ये सब मालूम नहीं था। मुख्तार कैसा मालिक है जो अपने गुलाम को थप्पड़ भी नहीं मारता? अगर गुलाम फरमाबरदार हो तो मालिक को क्या जरूरत है उसे थप्पड़ मारने की, वो भी मुख्तार जैसा मुसलमान और रहमदिल मालिक। मुझे छींक भी आ जाए तो मुख्तार परेशान हो जाता है। मैंने न जाने कितनी दफा उसे तंग किया है और बदतमीजी कर दी, मगर वो सिर्फ मुस्कुराया है। खुश नसीब हो तुम भाई, भाई जरबी जरबी, खुश नसीब हो तुम भाई जरबी। थप्पड़ खाना तो मेरी रोज की आदत है, जिस दिन भी थप्पड़ ना खाऊं भाई तो वो दिन बिल्कुल ही अधूरा है। शिमर भी अगर मुझे देखे और थप्पड़ ना मारे तो गोया उसकी नमाज कजा हो जाती। शिमर नमाज भी पढ़ता है क्या? तौबा तौबा, बेनमाज तो खुदा का दुश्मन होता है भाई। शिमर मालूम जरूर है मगर उसकी नमाज रोजा पूरे है। क्या फायदा ऐसी नमाज का, एक नमाजी कभी जालिम और सफाक नहीं बनता मेरे भाई। हाँ मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि मैं उसकी नमाज को भी देख चुका हूँ और उसके जुल्म को भी। खुदा उसके जुल्म का बदला उसको जरूर दे। उसका बदला जरूर मिलेगा अगर तुम मदद करो और बेमानी ना दिखाओ तो। शिमर अपने नापाक अमाल की सजा जरूर काटेगा, तुम्हारी आकबत भी अच्छी हो जाएगी। तुम्हें याद है ना कि मुख्तार ने तुम्हें आजाद करके तुम्हारे जुर्म को माफ करने का वादा किया है, बशर्ते तुम शिमर को हवाले कर दो। तुम्हारी दाढ़ी की कसम भाई, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुख्तार की मदद कर सकूँ।
ताकि वो शिमरे मनहूस का सर कलम कर दे। इसलिए नहीं कि वो मुझे माफ कर दे और आजाद कर दे, इसलिए नहीं। शिमर का मुझे और मेरी कौम को गाली बकना मेरे लिए लाइलाज मरज बन चुका है। वो मेरा गला घोट देना चाहता है। सोचता हूँ कि अजमों ने शिमर का क्या बिगाड़ा है आखिर। अजमों के नामो नमूद से वो बेजार है। सच सच बताओ, क्या मैं रुस्तम जैसा हूँ? क्या ये जानवर रक्ष की शक्ल का है? अब तुम देखो हम ईरानियों से कैसा बोझ रखता है, हमारा और हमारी कौम का मजाक उड़ा के खुश होता है। बिल्कुल इसके बरखिलाफ मुख्तार सुन्नत पैगंबर के मुताबिक अरब और अजम को एक निगाह से देखता है। कुर्बान जाऊं मुख्तार के गैरतमंदाना मौकफ पर। भाई तरबी, मुख्तार अपने गुलामों की शादी कराता है क्या? बकवास बंद करो। तुम हो किस मिट्टी के? हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा मैं तुम्हें रुस्तम के बजाय मुस्तम पुस्तम क्या के पुकारूं? बाबा मेरा नाम जरबी है। तुम्हारी मनुष्य जुबान अगर मेरा नाम ले नहीं सकती तो मत लो नाम, मुझे सिर्फ भाई क्या के पुकारो। तरबी क्या बकवास है? ए ज़बान, गलत बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा नुकसान होगा। ए रुस्तम, कितने सलील हो तुम, कितने अहमक हो, कितने नापहम हो, कितने भुलक्कड़ हो तुम। रुको, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया भाई, अपने आप को क्यों पीट रहे हो? मैं जब तक थप्पड़ न खाऊं मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं होगा। मुझे मारो ना भाई, तुम्हें कसम है मुझे थप्पड़ मारो ताकि मैं तुम्हारा नाम ना भूलूं। खुदा की लानत और शिम के सियाह दिल पर कि सहवान ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है। कोई बात नहीं मेरे भाई, जो तुम्हारे दिल चाहे उस नाम से पुकारो मुझे। तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो मैं डर जाता हूँ। वादा करता हूँ अब गुस्सा नहीं करूँगा। शिमर के साथ वो करेंगे कि वो याद रखेगा। अगर तुमने शिमर को मुख्तार के हवाले कर दिया तो मैं खुद आसीन चढ़ा लूंगा और तुम्हारी शादी करा दूंगा। खाओ कसम। हाँ कसम खाता हूँ भाई। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे, आओ मेरे गधे पर सवार बनो। शिमर, तुम्हें नहीं लगता कि इब्ने जुबैर इब्ने ज़ियाद से बेहतर होगा? तुम चाहते हो जिस तरह से भी देख लो, फिर भी इब्ने ज़ियाद बेहतर है। वो हम जैसे लोगों की खूब कदर करता है। ये मत भूलो कि उसने उमर साहब के साथ क्या किया। उसका मतलब पूरा होते ही सारे वादे तोड़ दिए उसने। तोहमत मत लगाओ बंदे खुदा, उमर अपने ही करतूतों की वजह से नामुराद हुआ है। अव्वल ये वादाए हुकूमत रहे यजीद ने उमर को दिया था, ना कि इब्ने ज़ियाद ने। दूसरे ये कि उमर साहब को जो करने का हुक्म दिया था उसने वो तो किया ही नहीं। उसने इतनी सुस्ती दिखाई कि बिलाखिर इब्ने ज़ियाद को मेरा दामन थामना पड़ा। तुम्हारा मतलब है उमर खामखा रोना धोना कर रहा था? हाँ बिल्कुल, जो काम किया ही नहीं उसका मुआवजा मांगना नाइंसाफी है, नाजायज है। अगर रे की हुकूमत करबला के फाते ही को देनी थी तो मुझे देनी चाहिए थी। ये भी एक दावा है। तुम ही बताओ कि मेरा दावा गलत है। हाँ वैसे करबला में तुमने सबसे नुमाया काम किया है। तुम्हें अफसोस नहीं होता शिमर? किस बात का अफसोस? हुसैन से जंग करने पर। इब्ने ज़वाबी, हुसैन अगर दोबारा जिंदा हो जाएं और यजीद के खिलाफ उठ खड़े हों तो मैं फिर उनके खिलाफ उठने वाला पहला शख्स होऊंगा। तुम्हें ये बात कबूल नहीं कि हमने हुसैन के मामले में यजीद का धोखा खा लिया था? कैसा फरेब, कैसा धोखा? खुदा की तौबा, अगर हुसैन नवासा रसूल है तो क्या वो बिदत ईजाद कर सकते हैं, सुन्नत तोड़ सकते हैं, खलीफा के खिलाफ कयाम कर सकते थे? खुदा के अहकामात के खिलाफ तो रसूल भी नहीं जाते। नाऊज़ बिल्ला, अगर कोई पैगंबर भी गलती कर लेते खुदा उन्हें भी माफ ना करता और अपने ताल्लुक का रिश्ता उनसे तोड़ देता। क्या तुम इन बातों को दिल की गहराई से कह रहे हो? क्या मुझे बच्चा समझते हो या मुझे आले उमैया का जासूस समझ कर रखा है जो तुम्हारे अकीदे की तफ्तीश कर रहा है? ये मैं हूं पगले, तुम्हारा दोस्त। गोया हमने आपस में भाईचारगी का सिगा पड़ा है। एक तो ये कि हर खलीफा की बैत तोड़ना दीन में बिदत करना नहीं कहलाता, खास तौर पर यजीद जैसा खलीफा जो खुल्लम खुल्ला शरीयत को पामाल करता था। दूसरी बात ये, अगर खलीफा की बैत शिकनी मासियत होती
तो फिर स्पेन में जितने लोगों ने अली की बेशकनी की वो सब गुनाहगार हुए, जिनमें से मैं और तुम शामिल हैं। क्या समझाऊं, रुसम ने ज्यादा ही देर नहीं कर दी। जब तक तुम शख्स यकीन तक पहुंचोगे रुस्तम भी पहुंच जाएगा। खामोश क्यों हो गए हो? कुड़ रहा हूँ भाई, मैं अपनी बुरी तकदीर पर कुड़ रहा हूँ। काश मुझे खुदा इस गधे की शक्ल में पैदा करता। पुराने नेमत मत करो, खुदा को बुरा लगता है ये सब। खुदा की पनाह के उससे कुछ बुरा लगे, ये गधा हर लिहाज से मुझसे बेहतर है। खुदा ने मुझे तमस्खुर के लिए पैदा किया है। ये क्या कुफरान नेमत है भाई, इस्तग़फ़ार करो। अरे भाई, लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया तुम्हें। मेरी जगह होते तो मेरा दर्द समझते। एक बालिश का सर और वो भी एक मुट्ठी सी अकल जो किसी काम की नहीं, उस पर शुक्र। खुदा का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। क्या मालिकों की कमी थी कि खुदा ने शिमर जैसा एक दियो मेरे नसीब में दिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम्हारा दिल नहीं जलेगा? बेशक मेरा दिल भी जलेगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो कोई तारीखी काम करके दिखाता। देखो, खुदा ने तुम्हें कितना अजीज रखा है, तुम्हें एक ऐसे दिन के लिए जिंदा रखा। अगर कदर ना करो तो गुनहगार हो, अगर तुम में गैरत हो तो खुदा को कुछ करोगे और हमारे तारीख वाले रुस्तम की तरह इस दियो को मार डालोगे। खुदा की पनाह। वैसे भाई, ये शिर्म के चेहरे पर धब्बे कैसे हैं? उसे बरस की बीमारी है, उसका सारा जिस्म उसकी सड़ी शक्ल की तरह धब्बे वाला है। बरस? ये बरस कौन सी बीमारी है भाई? ये एक अजीब सी बीमारी है भाई, जिस्म की खाल को धब्बों से भर देती है, ना दर्द ना दवा। उस जाहिल को उसके ये धब्बे बहुत अजीज हैं। काश उसे ताउन की वबाई बीमारी हो जाती। वो समझता है कि इन धब्बों ने उसकी हैबत मजीद बढ़ा दी, बल्कि ज्यादा खौफनाक हो गया है, ज्यादा मनहूस दिखता है। तेरी हिकमत पर कुर्बान हो जाऊं मालिक, देखो वो किस तरह इंसान नुमा हैवानात की निशानदेही करता है। अगर वो आम लोगों की तरह होता तो शिव कहाँ होता? तुम्हें भूख नहीं है भाई? तुम बताओ। खुदा की पनाह भाई, मेरा पेट भूख से दर्द कर रहा है। पता है हमने कब नाश्ता किया था? मगरिब होने वाली है, खाना ना खा लिया जाए, कहीं शिकार तक पहुँचने में देर ना हो जाए। मत डरो गरीब भाई, जब तक मैं शिमर तक ना पहुँच जाऊँ शिमर अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। कुछ सुकून का सांस ले लें, कुछ खा पी लें, ताकि शिमर को शिकार करने की ताकत तो हो हम में। सिर्फ इतनी देर कि हम कुछ खा लें और नमाज पढ़ लें। मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं भाई, जब तक तुम वुजू करोगे मैं भी अपना रिस्क फुरात से निकाल लूंगा। मछली पकड़ने आती है तुम्हें? भाई मेरे इस बेकार से हुलिये और मेरी हरकतों पे मत जाओ। शिमर को मारने के अलावा वो काम जानता हूँ जो किसी जिन और परी को भी ना आते। अभी देखना।
अगर शेवर ने हमें देखकर ये पूछ लिया कि तुम्हारे साथ ये धूमछल्ला कौन है तो क्या जवाब? कहना वही सारबान है जिसने इब्ने ज़ियाद को ऊंट के पेट के नीचे छुपाकर उसे भागने में मदद की। खाम ख्याली है, शिवर भी एक सादा लौसा आदमी है जो मान भी जाएगा। भाई तुम मुझे शिव तक पहुंचा दो, मैं वो काम करूंगा कि उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। खुदा की पनाह, शिव चालाकी और मक्कारी का बादशाह है भाई। उसके पास चील की आंखें हैं और घोड़े के कान और कुत्ते की सी सूंघने की हिस है। खयानत की बू को दूर से पहचान लेता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और कहेगा कि ये आदमी मुख्तार का आदमी, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, हम दोनों का सर कलम हो जाएगा। मैं भी उसी मालिक का फलावा हूँ जिससे तुम्हारे मालिक की जिंदगी अजीरन बना दिए। तुम सिर्फ मुझे दूर से शिम दिखा दो, फिर देखो मैं कैसे उसकी रूह कब्ज करता हूँ। क्या तुम कर लोगे? तुमने मुझे इतना छेड़ा है कि मैं तंग आ गया हूँ कसमें खा खा कर। तुम वाकई सही कह रहे हो भाई, झूठी कसम इंसान को खराब कर देती है। बहरहाल तुम शिवर से मुकाबला नहीं कर पाओ। नमाज पढ़ ली तुमने? तुमने पढ़ने दी है मुझे? चलो मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, पहले नमाज इसके बाद खाना। मैं शिवर की तरह नमाज पढ़ना जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, इसमें क्या हर्ज है, असल मकसद तो दिल को खुदा तक पहुंचाना है। मछली जल ना जाए। जल्दी आओ भाई, सफर की नमाज मुख्तसर होती है, जब तक मछली पकेगी हम नमाज पढ़ चुके होंगे। तो फिर इसके नीचे की आग हल्की कर दूं कहीं जल ना जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कर रहे हैं रुस्तम? मछली की आवाज में रुक गए हैं। बजाहिर ये रुस्तम कोई बहुत बड़ा मक्कार आदमी है, इस चश्मे जरन ने इतनी बड़ी मछली शिकार कर ली। लानत है उस मक्कार आदमी पर। ये कौन सा मछली खाने का वक्त? मेरे ख्याल से इस चालाक आदमी ने जरबी को किसी जाल में फंसा लिया। अमीर मछलियां जाने तो इनके करीब हो जाते हैं, मुझे डर है कि ये जरबी के चुगल से निकल जाएगा। मगर बहुत ध्यान से यस्ता, उसे भिनक भी पड़ गई कि हम छुपे हुए हैं तो हम शिमर तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप बेफिक्र रहे अमीर। जरबी भाई मर गए या नहीं? तुम कितने भारी हो भाई जरबी। चलो चलो कोई बात नहीं, नहर की बड़ी मछलियां तुम्हें खा ले, इनकी तो बिरयानी होगी। हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उसने जरबी को मार डाला। जरबी को मार डाला इतनी आसानी से?
मुझे पता था ये उसकी चाल है, मगर वो जरबी को मार देगा इसकी तवक्को ना थी मुझे। सरकार मेरी जान निकाल दी थी तुमने मनुष, किस जहन्नुम में मर गए थे? खुदा की पनाह, आपको हाथ पैर बांधकर मुख्तार के पास ले जाएं और जिंदा छोड़ दें, ये मौजजा नहीं। सोना कहाँ है मेरा अहमक? वो सारा सोना बर्बाद हो गया। कूफे के दरवाजे पर शाकिरी अरब ने मेरा रास्ता रोका, सोना जो देखा तो इतने सवालात पूछे कि मुझे पहचान लिया। हाँ, वो लोग बहुत जले जब उन्होंने ये सुना कि शिव भाग गया है। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मार मार कर मुझे और मेरे गधे को मुख्तार के पास लेकर चले गए। यकीनन तुमने मुख्तार को देखते ही सब कुछ बोल दिया होगा। आपकी दाढ़ी की कसम मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि शिव कहाँ छुपा हुआ है, मैंने बात घुमा दी कि जबानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम जरबी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुंचा दे। जरबी को मार कर मैं भाग आया। लानत है तुझ पर जाहिल कहेंगे। तुम अपनी मुट्ठी भर दिमाग के जरिए मुख्तार को धोखा देना चाहते थे। अहमद कहेंगे, मैं अपनी इतनी समझदारी के साथ फिर मुख्तार के आगे मखलूब हो गया। चलो जल्दी करो, ये सारा सामान उठाकर यहाँ से जल्दी चले। इब्ने ज़बाबी, अरे ओ इब्ने ज़बाबी, ज़बाबी के बच्चे। उसने अपनी तलवार को अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ है। अबू जहल कहीं के, अगर तुम ज़बाबी को न मारते तो हम उसे लुकमा बनाकर अपनी जान बचा सकते थे। वाकई आप सही कह रहे हैं। उड़ना चाहो या रेंगना चाहो, भागने का रास्ता नहीं रहा। मैं अधूरे काम को पूरा करने आया हूँ। अपनी तलवार से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी जान बचा ले। यहाँ पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं।
पानी ना ले जाने पाए। जाओ जाओ उसके पानी की पशु को छेद दो। सर काट कर एक बोरी में लेके चलो ताकि अमीर को दे सके। बाकी लोगों का क्या हुआ यजदान? सिवाय जरबी के कातिल के और कोई यहाँ नहीं है। तुमने सारी जगह देख ली है? कोई नहीं है, शायद भाग गए हो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कौन सी जगह है सनान? शेख, जब सनान सारबान हो तो उसे मालूम है कि तुम जैसे ऊंट को कहां बिठा। मुख्तार के खौफ ने मुद्दतों से हमारी नींदें उड़ा के रख दी हैं। आज रात तुम अपने बचपन के दिनों की तरह पुरसुकून नींद सो सकते हो और मैं जवानी के दिनों की तरह मुख्तार से बेखौफ होकर अपनी दुल्हन के हिजले में जाऊंगा। सही, तो हमारे आवारा मजनू ने लैला की भूत सुन के रास्ता बदल लिया है। रुकने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हमारा दिमाग खराब था कि हम यहाँ आए? हमें आज की रात एक पुरम जगह में बितानी होगी। सनान, तुम भूल गए हो हमने कितनी मुसीबतों से कूफे के रास्ते काटे हैं। मुख्तार के आदमी हमें शिकार करने के लिए वक्त की तलाश में है। तुम अपने पैरों से चलकर जाल में गिरना चाहते हो? हम मुख्तार की हुकूमत से बहुत दूर हो चुके हैं। सनान, हमारी लापरवाही ने हमें आज ये दिन दिखलाया है। क्या कम तकलीफें उठाई हैं हमने? क्या सोचकर अपने आप को इस गांव में फंसा लें? इन दिनों मुख्तार ने लालिश का भूत बहुत सों के सर पर सवार कर दिया है। अगर किसी देहाती ने चंद सोने के सिक्कों की लालच में हमें फंसा दिया तो फिर क्या करेंगे? मुख्तार का हुक्म इन इलाकों में नहीं चलता। इतनी चूचरा मत करो। तुम्हारा हुलिया उस मुर्दे की तरह है जो कब्र से उठाओ। आओ चलें। आज रात अपने आप को सुकून दें ताकि बसरा तक पहुंच सकें। मैं जहालत नहीं करूंगा। तुम गधे भी और बुजदिल भी। तुम्हारे बाप अशस की जुरत तुमसे बहुत अच्छी थी। जहन नसीब अनस के क्या खूब शेर बेटा परवान चढ़ाया है उसने। एहतियात को डर का नाम नहीं दिया जाता सनान। क्या कसम खाऊं कि इस गांव के लोगों ने मुख्तार का नाम तक नहीं सुना है। उनकी सारी दीनो दुनिया उनके गाय गधे भेड़ और उनकी फसलें हैं। इन्हीं लोगों से तो डरना चाहिए। खतरा हमेशा वहीं पर होता है जहां की तवक्को नहीं होती। तुम्हारी मर्जी, मत आओ। मैं आज रात अपने ससुर के घर जाऊंगा और फुकरा और जोफा के अमीर की बर्बादी के नाम पे खूब पीऊंगा। सनान, देखो शैतान के धोखे में मत आओ। तुम मुद्दतों से मुख्तार के डर से आवारा हो। सिर्फ आज रात के लिए सब्र करो। हम कल रात बसरा पहुंच जाएंगे, फिर इतना ऐशो नोश करना कि फट जाओ। तुम नहीं समझोगे शेर, नहीं समझोगे।
अगर तुम्हारे इंतजार में भी अजरा जैसी कोई नौजवान दुल्हन घर में बैठी होती तो तुम मेरी मजबूरी समझ जाता। मत जाओ अहमक, मत जाओ। इस जिंदगी में हिमाकतों के बगैर दिल को हरगिज सबक नहीं मिलता। फिर मिलेंगे अहमक कहीं के। ये बात सच है, सिर्फ इस जैसा अहमक ही हुसैन इब्न अली का सर काट सकता था। ये क्या तरीका था जरा, बच्ची क्यों बन रही हो? अरे क्या हो गया भाई, तुमने फिर उल्टे सीधे वहमोगुमान शुरू कर दिए। जाओ अपना मुंह हाथ धो के हुलिया दुरुस्त करो। खुशामदीद, खुशामदीद, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जहर नसीब के आपने गरीबों को भी याद किया। इराक के हालात दरहम बरहम हो गए हैं बीवी। कुछ महीनों से कूफे में एक ऐसा जलजला आया था कि आज तक सब उसकी जद में आ रहे। खुदा की पनाह, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, कोई मरा तो नहीं? बीवी, हमारे दामाद की जलजले से मुराद जंग है, वाकई जलजला नहीं। बीवी, अब तक हमारी बेगम हमें देखना नहीं चाहती। इतने दिनों के बाद उसे मिलने आते हैं तो उसे अजनबियत सी होने लगती है। कुछ दिन उसके पास रहेंगे तो ठीक हो जाएगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बीबी, मैं बसरा की तरफ जा रहा हूँ। जानबूझकर इधर का रास्ता इख्तियार किया ताकि आप लोगों को देख सकूं, और खास तौर पर अजरा की वसालत के लिए। तुम माँ हो बीबी, तुम्हें अपनी बेटी की ऐसी तरबियत करनी चाहिए थी कि वो अपने शौहर का इस्तकबाल करे। मेरी अजरा ना बेरुखी करती है ना ही तुंद मिजाज है, आखिर वो बेचारी गूंगी है, अपनी उम्र की लड़कियों की तरह जबान तो नहीं चला सकती ना। आप काबिले एहतराम शख्स हैं, उसे उसकी बेजुबानी की खातिर माफ कर दीजिए। ज्यादा लिहाज और रख रखाव मत करो बीबी। अगर मुझे जुबान वाली बीवी चाहिए होती तो ऐसी दो तीन थी मेरे पास, उनमें से हर एक की 40 गज की जबान है। बहुत बकबक करती थी। ये लो बीबी, इससे शेख के लिए कबाब बना लो। बीबी, अजरा को पुकारने से गाफिल मत होना। और सुनाओ मेरे दोस्त, क्या नई ताजी खबरें हैं? खुदा का शुक्र है, क्या बताऊं जनाब, मेरे पास कौन सी खबरें हो सकती हैं? जंग की खबरें आम होती हैं जो कि आपके पास हैं। हमारी खबर है कि हम बेखबर हैं, गधे का बच्चा हो गया है और आजकल खेलता कूदता है। बड़ी मुद्दतों से मैं खुलकर नहीं हंसा था। ये हसमुख मिजाज होना एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। काश मैं भी तुम्हारी तरह एक आम सी रईयत होता और गधे भेड़ और जमीन में मगन रहता। शेख साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? दिन रात जानवरों की तरह काम करने की भी भला कोई हसरत करता है क्या? ये निशाना देख रहे हो, जितने हल जमीन पर चलाए हैं उसके निशानात हाथों पर भी रह गए। कूफे की क्या खैर खबर है? कुछ नहीं, एक कुत्ता गया और एक भेड़िया आ गया। बदबख्त तो आवाम है जिन्हें हर दौर में डर डर के जीना पड़ता है और अपनी कुर्बानी देनी पड़ती। मैंने सुना है मुख्तार नामी कोई शख्स नया दीन लेकर आया है।
काश कोई नया दीन लाया हो। मुख्तार एक ऐसा पागल है जो सिर्फ आदमजात के खून से सैर होता है। ताज्जुब है, लोग भी अलग अलग खबरें उड़ाते हैं, बिल्कुल बदली हुई खबर हम तक पहुंचती है। हमने तो सुना था कि मुख्तार फर्जंदे रसूल के खून के इंतकाम के लिए खड़ा हुआ है। कान और आंख के दरमियान कितना फासला है, हद से हद चार उंगल। गलत, बिल्कुल गलत, देखने और सुनने में जमीन और आसमान का फासला है। जब तक कोई चीज अपनी आंख से ना देख लो उस पर यकीन मत करना। ये लो तुम्हारा इस साल का हिस्सा। दिल चाहता है कि आज की रात न दीन की फिक्र करूं और न ही जंग की। नौश कीजिए, खुदा करे ये खाना आपके जिस्म को लगे। तुमने जानवर को चारे के आगे इसलिए बांधा है? ऐसी बात नहीं है शेख। तुमने किससे सुना कि उसने एक मुकद्दस हस्ती का कत्ल किया है? बोलो, गांव की सारी लड़कियां तुम्हारे शौहर से हसद करती हैं। तुम्हारा शौहर मकामो मनसब वाला है, जंगजू इंसान है। क्या क्या खाओ खुदा की कसम, इन बातों से तो खून की बू आ रही है। अरब की किस औरत ने इससे शादी कर ली है कि तुम इसकी दूसरी बीवी ठहरोगी? बस बस बकवास बंद करो, तुम हद से ज्यादा नखरे दिखा रही हो। ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे हमारी गूंगी बेटी के लिए 100 रिश्ते दरवाजे पर खड़े हों। एक जवान लड़की बिन ब्याहे घर में बैठी रहे तो लोग दसियों बातें बनाते हैं। वो कहां से बुढ़ा लगता है, तुम्हारे बाप से ज्यादा जवान लगता है। अगर ये एक आंख वाला देव ना होता तो तुम कुंवारी मर जाती। हमारी इज्जत दाव पे ना लगाओ अजरा। क्या तुम चाहती हो कि हम गांव के लोगों के सामने शर्म से पानी पानी हो जाए? खुदाया ये कैसी आफत हमारी जान पे आ गई है। अजरा, 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 ये पैर सहरा की चलती रेत में चल चल के जल चुके हैं। इनकी दवा तुम्हारे हाथ में है और एक ठंडे पानी का तसला जिससे तुम मेरे पैर धुलाओगे। जय नसीब मेरे, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारा सर ही कलम कर दूंगा। सुना तुमने? तुम नहीं आई तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जाओ मेरी बेटी, जाओ मेरी गुड़िया, जाओ ना मेरी जान। तुमने सुना नहीं, अगर नागरी तो तुम्हारा सर अलग।
ये लो शेर, मैं तुम्हारे पांव ऐसे धुलाऊंगा कि रास्ते की सारी थकन भूल जाओगे। तुम्हारे हाथ तो पत्थर की तरह है, आखिर मेरी एक बीवी है, बीवी है वो मेरी। मेरा दिल चाहता था कि मेरी मनहूस बीवी मेरे पांव धुलाए, ना कि मेरा बुढ़ा सुसार। खुदा गारत करे तुम्हें अजरा, ये सब क्या कर रही है बेगैरत कहीं की? वो तुम्हारा शौहर है, कोई अजनबी तो नहीं है? तुम मेरी इज्जत से क्यों खेल रही हो बेस कहीं की? आज रात या तुम्हें मार डालूंगा ये अपने आप को। बाप नजर आ रहा है। मेरी बच्ची, मत मारो इसे। मार जाओ, ये सब तुम्हारे रहम और करम से हुआ है। अगर तुमने इसे तौर तरीके से खाए होते तो ये ऐसी नहीं होती। कहाँ जा रही हो? बदतमीज, कहाँ जाओगी बच्चियाँ मुझसे? उधर आओ। Lord.